हम लोग यदि उड़ीसा बंगाल असम जैसे चुनेंगे वो नहीं होगा, क्योंकि इस तब हम 40 साल पीछे रह जाएंगे। और हम जो फॉर्मूला बोले हैं, इस फॉर्मूला से यदि करेंगे तो 9 साल में हम चाहे उन लोग के जैसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आई चैंग छिली ना एखे बाबा के लिए चेष्टा कर। ठीक है, हम ये इसका पिताजी ऋतिक है, तो ये एनिमेशन का भी काम करते हैं, मुंबई के उधर रहता है। दिल्ली के बात बोल रहे थे, दिल्ली के जो बात बोल रहे थे, हाँ धुले में है। हम बोले कि वहाँ तो जमीन है, कुछ गुरु भाई है, कम आप लोग सहयोग कीजिएगा, भजन में लोग सबको मिलकर सहयोग कर रहे हैं, तो इसको एक तो वहाँ सेटलमेंट कराना है इनका पिताजी को। और ऋतिक भी है, तो वहाँ रहने से क्या होगा कि हम लोग का कुछ कार्यक्रम हम लोग शुरू कर पाएगा। धुले जमीन में भी हम लोग का धुले बहुत स्ट्रेटेजिकल स्टेट है, क्योंकि वहाँ से एक तरफ जाएंगे हम नागपुर, इधर दिल्ली मुंबई, इधर सूरत, इधर मुंबई, तो 4 पॉइंट का जंक्शन है, तो एकदम अहम है। और दिल्ली जा सकते हैं यहाँ से, एकदम कलकत्ता भी जाएंगे तो उधर से ही जाएंगे, इंदौर भी, हाँ इंदौर भी जा सकते हैं। मैं इंदौर तो दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली उसमें इंदौर भोपाल से, तो वो जमीन हम लोग का बोर्ड से दिया है, लेकिन डेवलप करने के लिए तो कोई एक ये चाहिए। इसका पिताजी अभी पहले मेघालय में था, अभी नॉर्थ बंगाल में आया, तो मेघालय में जो तुला मंदिर है उसके बाजू में था, तो हम वहाँ जमीन जो था एक लोग का मकान, हम बोले कि उसको बेचो, नॉर्थ बंगाल वाला किराए में देके यहाँ आगे मंदिर बैठो, तो होगा क्या तुम लोग का सूरत वाला भी सहयोग कर लीजिए, मतलब समझे सूरत से भी धुले आप लोग का भी है, मतलब सबको मिल के सहयोग करें, मतलब नागपुर का भी डेवलपमेंट हो सकते हैं, हम लोग ऐसा टारगेट करेंगे। ऐसा पर प्रार्थना कीजिए बाबा का शरीर ठीक रहे, फिर अलग एक बार आ सके। अरे ये अंतिम बार नहीं है, अरे भंडारा सब कुछ देखे वाले।